नोएडा में बड़ा हादसा हो गया है। नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। बिजली घर के सामने जलवायु विहार में यह दीवार गिरी और वहीं इस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। नोएडा सेक्टर 21 में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। जलवायु विहार में नाली की सफाई के दौरान बाउंड्री वॉल गिरने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोगों की हालत गंभीर है। दीवार के बगल में नाली बनाने का काम चल रहा था, अचानक से दीवार गिर गई। ये हादसा हुआ, उस वक्त 12 मजदूर काम कर रहे थे। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। कई घायल मजदूरों को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर है। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर और डीएम समेत सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद फायर, पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद मलबा हटाने का काम किया गया। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 21 जलवायु विहार के पास ड्रेनेज रिपेयर के काम के लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब मजदूर दीवार की ईंट को हटा रहे थे। पूरी दीवार ढह गई, जिसकी जांच की जाएगी। सेक्टर 21 में जलवायु विहार के बगल के नाली के रिपेयर के कार्यों को नोएडा अथॉरिटी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और कॉन्ट्रैक्टर के लेबरर द्वारा यहाँ काम कराई जा रही थी। और जो ये बाउंड्री वॉल है, उस वक़्त जो प्रथम दृष्टिया अभी तक जो लोगों ने सूचना दी है, इसकी जांच भी कराई जाएगी विस्तृत रूप से। जो दीवार उस वक़्त जो गिरा है, वो जो वहाँ जब उस वक़्त जो लेबरर थे, वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे, जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। नोएडा में हुए इस हादसे पर सीएम ने दुख जाहिर किया है। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने शोक जाहिर किया। सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर तत्काल बुलाकर युद्ध स्तर पर राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मामले में एक की गिरफ्तारी हुई है। हम इस वक्त मौजूद हैं जलवायु विहार में, जहां पर ये जो जलवायु विहार की जो दीवार है, यही सुबह के वक्त गिरी थी, जिसमें 13 मजदूर दबे हुए थे। ये प्राधिकरण की तरफ से टेंडर उठाया गया था, बाकायदा कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया गया था और कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से यहाँ पर मजदूर लगाकर यहाँ पर नाली सफाई का कार्य चल रहा था। आज सुबह का वक्त था, 9:30 बजे हुए थे जिस वक्त ये दीवार गिरी हुई थी। हालाँकि आपको बता दें कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि कुछ घंटों तक यहाँ पे लोग चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाते रहे, हालांकि उनकी मदद करने को कोई नहीं आया। हालांकि यहाँ पुलिस मौके पर जब पहुंची है, पुलिस ने फिर यहाँ पर फ़ोन किया है, फिर NDRF की टीम पहुंची, यहाँ पर राहत का काम शुरू हुआ। इसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू चलाया गया, जिसमें 13 लोग जो दबे हुए थे मजदूर, उनको निकाल लिया गया। हालांकि 4 लोगों को यहाँ पर भर्ती कराया गया था जिला अस्पताल, जिसमें 2 लोगों की जिला अस्पताल में मौत हो गई थी और 2 की कैलाश हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। हालांकि अभी 9 लोगों का जो इलाज है वो जिला अस्पताल में चल रहा है और जो मजदूरों को कॉन्ट्रैक्टर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिसको प्राधिकरण की तरफ से जो टेंडर दिया गया था, अभी उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। हालांकि उसकी भी गिरफ्तारी के लिए लोग लगे हुए हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर जो हादसा होता है, लापरवाही के चलते 4 लोगों की जान चली जाती है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है प्राधिकरण पर कि कब होगी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। कैमरा अमित के साथ विवेक चिन्नर, नोएडा। नोएडा में सेक्टर 21 के जलवायु विहार की बाउंड्री वॉल गिरने से हुई 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। ये बाउंड्री वॉल नाले की सफाई के दौरान गिरी, इसको नोएडा प्राधिकरण कॉन्ट्रैक्ट लेबर के द्वारा करवाया जा रहा था। सूचना मिलते ही नोएडा प्राधिकरण के CIO रितु माहेश्वरी मौके पर पहुंची और अस्पताल में पहुंचकर घायलों को हालचाल पूछा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि प्राधिकरण एक स्ट्रक्चर ऑडिट की प्रक्रिया बनाने जा रहा है। बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी हो गई है, उसके मेंटेनेंस नियम बनाए जा रहे हैं। जलवायु विहार की बाउंड्री वॉल गिरने से हादसा हुआ है।
बुलंदशहर के गुलाबटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बंद मकानों में चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि 16 अगस्त को गुलाबटी में हुई घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के पास से 1 लाख की नकदी, ज्वेलरी, बाइक और असला बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बंद मकानों में रैकी करके चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पकड़े गए दोनों आरोपी राशिद और रिजवान मेरठ के रहने वाले हैं। थाना गुलाबटी पुलिस द्वारा कल दिनांक 19/9/2022 को शाम को चेकिंग के दौरान बंद मकान से चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम राशिद पुत्र आज मोहम्मद, निवासी ग्राम जानी खुर्दखेड़ा, थाना जानी जनपद मेरठ है, तथा दूसरे का नाम रिजवान पुत्र मोमिन, निवासी समर गार्डन, एक मीनार मस्जिद बेकरी वाली गली, थाना लेसाड़ी गेट, जनपद मेरठ है। इनके पास से 1 लाख रुपये नकद, 2 कंगन, 1 मोटरसाइकिल अपाचे, 1 तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू, 2 छेनी, पेचकस और चोरी के उपकरण बरामद हुए हैं। यूपी के सहारनपुर में थाना जनकपुरी और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने इनकम टैक्स कमिश्नर बनकर लोगों को ठगने वाले फर्जी गिरोह का पर्दाफाश किया है और इसी बीच पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी अधिकारी बनकर बड़े बड़े अधिकारियों को फोन करके निशाना बनाते थे। सहारनपुर में भी इसने अपने एक पुलिसकर्मी साथी के साथ मिलकर कई अधिकारियों को झांसे में लेने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सहारनपुर के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सहारनपुर में चल रही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को टॉयलेट में रखकर भोजन दिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और वायरल वीडियो में खिलाड़ी टॉयलेट से खाना लेते हुए दिखाई दे रहे थे। और वहीं उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्रीड़ा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। खिलाड़ियों के लिए टॉयलेट में बन रहे खाने को गंभीरता से लेते हुए खेल निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। भाई देखिए, ये जो है अभी जनपद सहारनपुर में 17 और 18 तारीख को स्टेट लेवल की एक कबड्डी प्रतियोगिता थी, इसमें कुछ अव्यवस्था संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस क्रम में कल खेल डायरेक्टर ने जो है जिला के जो क्रीड़ा ऑफिसर हैं अनिमेश सक्सेना, इनको सस्पेंड किया है और सस्पेंड करके इनको अपने मुख्यालय से संबद्ध किया है। इसी संबंध में जो भी अव्यवस्थाएं पाई गई थी, इसमें एक जांच मैंने भी ADMFR को दिया है और वो जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर 2-3 दिन के भीतर जो है रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद इसमें जो है जो भी और आवश्यक कार्रवाई रहेगी और शासन को जो भी जिस तरीके से अवगत कराना है। कल जैसा आप लोग अवगत होंगे कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ आए थे, यहाँ पर अम्बेडकर स्टेडियम में यहाँ पर कबड्डी प्रतियोगिता चल रही थी। इस कबड्डी प्रतियोगिता में कुछ अव्यवस्थाओं के संबंध में कि खिलाड़ियों को जो खाने वाने का सामान दिया गया था वो शौचालय के आसपास रख करके दिया गया था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी गठित करके मुझे जांच अधिकारी बनाते हुए 3 दिन में मुझसे रिपोर्ट मांगा है, जिसके क्रम में आज मैं यहाँ पर मौके पर जाँच करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ मेरी अपनी टीम है और यहाँ पर कुछ खिलाड़ी भी हैं जिनका बयान लिया जा रहा है, कुछ कोचेज भी हैं उनके भी बयान लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गड़िया रंगीन थाना पुलिस द्वारा गांव-गांव जाकर धोखाधड़ी करके फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड बनाने संबंधी प्रपत्र एवं उपकरण समेत ऑल्टो कार भी बरामद की गई है। मूल दस्तावेजों में शामिल आधार कार्ड को फर्जी तरीके से बनाने वाले ये तीनों शातिर आरोपी गांव-गांव जाकर धोखाधड़ी करके फर्जी तौर पर आधार कार्ड तैयार करते थे। पुलिसिया पूछताछ में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया है कि वो लोग वर्ष 2019 से कई स्कूलों के प्रधानाचार्य और ग्राम पंचायत अधिकारियों के फर्जी मोहर बनवाकर ऑल्टो गाड़ी से गांव-गांव जाकर फर्जी आधार कार्ड तैयार करते थे। SP शाहजहांपुर सर्किल डिवीजन में अपराध और अपराधियों विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत कल गड़िया रंगीन पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। चेकिंग के दौरान 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं, उनके पास से गल्टो कार,
और आधार कार्ड बनाने के उपकरण, फॉर्म, फर्जी मोहरे इत्यादि पकड़े गए हैं, जिनके नाम क्रमशः नवीन शर्मा, अखिलेश और तिलक राज हैं। तीनों जलालाबाद क्षेत्र के हैं। ये लोग गांव-गांव जाकर फर्जी आधार कार्ड बनाते थे। आपका अमरोहा में देसी शराब की दुकान पर महिलाओं ने हंगामा काटा, और आपको बता दें कि बीच गांव में देसी शराब की दुकान होने से आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिससे परेशान होकर महिलाओं ने शराब की दुकान का विरोध किया। महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। गांव के बीचों बीच शराब की दुकान है और इसको लेकर ये महिलाओं का आक्रोश देखने को मिला है। शराब की दुकान का विरोध स्थानीय महिलाएं कर रही हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस के हाथ उस समय सफलता लगी जब मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम और नगर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया, और इस दौरान बाइक सवार दो बदमाश आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश पुलिस पर फायर करके भागने लगे। और वहीं पुलिस की घेराबंदी में फंसे दोनों बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गए। एक बदमाश 2 साल पहले पंजाब के पठानकोट में क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों को यहां पर डकैती के बाद हुए हत्याकांड में वांछित चल रहा था, और वहीं पुलिस ने घायल बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और लूट की एक बाइक बरामद की है। घायल दोनों बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास है। देखिए, कल देर रात जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक मुठभेड़ के दौरान दो शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन दोनों बदमाशों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल तथा अवैध तमंचे और कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। जब इनसे प्राथमिक पूछताछ की गई तो इनके द्वारा इनका नाम, एक अभियुक्त का नाम गोलू उर्फ काका बताया गया, जो अभी हाल में ही गंगो सहारनपुर में रह रहा था, और जो दूसरा अभियुक्त है उसने अपना नाम तालिब बताया, जो पिलानी में, अभी हाल पता उसका पिलानी है, वहाँ रह रहा था। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक प्रेमी युगल के शव एक साथ पंखे पर लटके मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, और घटना की सूचना मिलते ही एसपी, एएसपी के अलावा डीआईजी दीपक कुमार मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का मौका मुआयना करके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और घटना की वजह ऑनर किलिंग बताई जा रही है। दो बच्चे जिनकी उम्र करीब 17 से 19 साल के बीच में थी, और इन दोनों बच्चों की आज डेड बॉडी जो है यहाँ पर मिली थी। प्रथम दृष्टया ऐसा देखकर लगता है मौके पर, घटनास्थल पर, कि दोनों बच्चे जो है इन लोगों ने खुदकुशी कर ली है और फांसी लगा ली है। बाकी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। इनके परिजनों से भी बातचीत कर ली गई है। जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से जो हमारी जाँच है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। फिरोजाबाद में एक घंटे की हुई मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के सभी दावों को खोल कर रख दिया है। पूरा शहर के साथ साथ नगर निगम के दफ्तर भी जलमग्न हो गए हैं। नगर निगम में पानी घुस जाने के चलते कर्मचारी टेबल पर बैठकर काम करते हुए नजर आए। अत्यधिक बारिश होने के कारण बारिश जल भरा हो जाता है, क्योंकि नाल हो गया, बाहर पानी भर गया, इसलिए अंदर तक आ गया है, और पहली बार भरा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मांगते हैं तेज बारिश जल भरा हो गया बाहर तक, जब बाहर पानी आ गया तो फ्लो हो गया, अंदर तक आ गया, दफ्तरों में भी आ गया पानी। हाँ, दफ्तर आ गया, हमारे भी आ गया। किन किन दफ्तरों में पानी आया नगर निगम के? हमारे में आ गया, अच्छे बाकी बगल में आ गया। आगरा में प्रभु श्रीराम के आगमन को लेकर मिथिला नगरी की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। उत्तर भारत की प्रख्यात राम बारात कल हर्षोल्लास और भक्तिभाव से निकलेगी। भव्य मंच बनकर तैयार हो गया है, और वहीं एटीएम सिटी एके सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी दी है। जनकपुरी महोत्सव की तैयारियों के संदर्भ में संयोजक भरत शर्मा ने अवगत कराया है। आगरा की प्रसिद्ध राम बारात कल 21 सितंबर को निकलेगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शाम 5 बजे से राम बारात प्रारंभ हो जाए और 22 की सुबह 5 बजे तक समाप्त हो जाए। पूरे राम बारात क्षेत्र को और जो झांकियां सम्मिलित हैं उनको 10 सेक्टरों में विभाजित किया गया है।
इन 10 सेक्टरों में 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और इनके ऊपर 3 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। बाकी जो संबंधित विभाग हैं, नगर आयुक्त का कार्यालय जो है, नगर निगम है, स्वास्थ्य विभाग है, विद्युत विभाग है, मनोरंजन विभाग है, सबको सचेत कर दिया गया है, ट्रैफिक के लोग हैं। आगरा के थाना चकनेर के मेवाली गांव में नहाते समय एक युवक कुंड में डूब गया और वहीं युवक का कोई सुराग नहीं मिला। प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना के बाद भी कोई मदद नहीं पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर अनसुनी का आरोप लगाया है, जिसके बाद लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया है। गाजियाबाद नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर मथुरा से ट्रांसफर होकर आए 2015 बैच के आईएएस नितिन गौर ने आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि गाजियाबाद नगर निगम में जितनी भी परेशानियों से नगर निगम जूझ रहा है, उन परेशानियों का जल्द निस्तारण किया जाएगा। की जरूरत है वहाँ पे। गाज़ियाबाद नगर निगम ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि शासन की योजनाओं को टाइमली इंप्लीमेंट किया जाए, ट्रांसपेरेंट और एक अकाउंटेबल मैनर में सभी प्रोजेक्ट्स जो अपूर्ण हैं उनको गति दी जाए, और जहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे बाकी विभागों से समन्वय कर वो काम टाइमली एग्जीक्यूट कराए जाएँ। इसके अलावा जो रनिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको टैकल किया जाए, और क्षेत्र की जनता की जो जनता शिकायतें आती हैं, IGRS पे शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका टाइमली डिस्पोजल एक क्वालिटेटिव मैनर में किया। सहारनपुर में पूर्व MLC और खनन माफिया हाजी इकबाल के चौथे बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाजी इकबाल का बेटा अफजाल काफी दिनों से फरार चल रहा था। मुखबिरी की सूचना पर मिर्जापुर पुलिस ने जिला कारागार के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। इनके ऊपर संगीन धाराओं में लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अब सिर्फ हाजी इकबाल ही फरार चल रहा है, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। जी, इसमें थाना मिर्ज़ापुर की पुलिस ने अफजाल नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि यहाँ के खनन माफिया इकबाल के सुपुत्र हैं, और ये 420 और डकैती के मामले में पकड़े गए हैं। एक व्यक्ति की ज़मीन इन्होंने अवैध रूप से कब्जा की थी, जिसको कि लेकर इन्होंने मारपीट की और लूटपाट के आरोप इन पर लगाए गए थे। इस पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। बुलंदशहर के GAV तिराहे पर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और इसी दौरान दोनों में जमकर मारपीट हुई। इसी दौरान एक के सिर में ईंट लगने से वो घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट कर रहे 2 छात्रों को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी छात्र नगर के किसी छात्रावास के थे और इन लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। खाने पीने का सामान बनाने वाले लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने लालऊ क्षेत्र में चल रही मसाला फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां पर भूसी की 2 बोरियां बरामद हुई हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि मसाले बनाने में भूसी का प्रयोग किया जाता है, हालांकि विभाग इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं। आपको बता दें कि धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और भूसी का सैंपल लेने के बाद फैक्ट्री सीज कर दी गई है। ये फैक्ट्री लालाऊ रोड पे स्थित है और आस्था इंटरप्राइजेस के नाम से संचालित है। 2018 से इनका निर्माण कार्य चल रहा है और इनके यहाँ छापेमारी में काफ़ी सारी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें साइट्रिक एसिड और कुछ पौधे के भूसे और पाउडर्स बरामद हुए हैं, जिनको काफ़ी मतलब गधे की लीद या घोड़े की लीद होने की संभावना बताई जा रही है। इस पर फैक्ट्री को सील करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, जो बड़े ही शातिराना अंदाज में पहले फेसबुक के जरिए लड़कियों से दोस्ती करता था और फिर बाद में उनकी फोटो को एडिट करके अश्लील वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल करता था और मोटी रकम की जालसाजी किया करता था। और वहीं पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश केरल का रहने वाला है और फेसबुक के जरिए लड़कियों से दोस्ती करके उनके फोटो एडिट करने के बाद उनके अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करने का काम करता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी इंद्रापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा की टीम के द्वारा आज एक अपराधी, जिसका नाम निधीश
चंद्रन जो केरल का रहने वाला है इसको पकड़ा गया है, जो फेसबुक के माध्यम से लड़कियों से दोस्ती करता था और उनसे धीरे धीरे उनके संपर्क में आता था, उनकी फिर अश्लील वीडियो बना करके उनके दोस्तों मित्रों में शेयर करने की धमकी दे करके उनसे फिर पैसे वसूल करता था। पश्चिमांचल लाइव में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।